بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. गाड़ी के अहकाम। पहला सवाल, क्या औरतों के लिए गाड़ी चलाना जायज़ है? जवाब, हिजाब और दूसरे इस्लामी कवानीन की रियायत करते हुए ड्राइविंग करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी ख्वातीन पर्दे में और इस्लामी कवानीन की रियायत करते हुए कर सकती है। दूसरा सवाल, कभी कभी औरत और मर्द सफ़र में एक सीट पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का जिस्म भी मिल जाता है, तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, अगर फसाद और शहवत का ख़तरा है तो जायज़ नहीं है, यानी अगर कोई भी गलत काम होने का इम्कान हो तो जायज़ नहीं है। तीसरा सवाल, किस्ती तौर पर गाड़ी का बीमा कराना जबकि इस सूरत में पैसा ज़्यादा भरना होता है, क्या ये सूदी मामला हिसाब होगा? जवाब, नहीं, ये सूद वाला मामला नहीं है बल्कि जायज़ है। चौथा सवाल, क्या बैतुल माल से मिलने वाली सहूलतें और चीज़ें जैसे टेलीफोन, गाड़ी वगैरह से ज़ाती फ़ायदा उठाना जायज़ है? जवाब, सरकारी सामानों का सिर्फ कानून के दायरे में रहकर इस्तेमाल करना जायज़ है, और अगर कानून उसको उस बात की इजाज़त देता हो तो ज़ाती इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। पाँचवा सवाल, अगर शोहर और बीवी का घर किसी किश्ती या मखसूस गाड़ी में हो तो मुतल्लिका औरत उसी में अपना इद्दा पूरा करेगी? जवाब, हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छठा सवाल, किस्तों पर ज़्यादा पैसा देकर गाड़ी का बीमा कराना, क्या सूदी मामला हिसाब किया जाएगा? जवाब, अगर किस्ती तौर पर बीमा करवाने की वजह से बीमे की कीमत में इजाफा करके ले तो ये सूदी मामला शुमार नहीं होगा। सातवां सवाल, जो शख्स पेंटर है या गाड़ियां बनाता है और उसके हाथ में मामूलन पेंट या ग्रीस लगी रहती है जो साफ़ नहीं हो सकती, नमाज के लिए उसका वजीफ़ा वजू या तयम्मुम है? जवाब, लाजिम है, उसके लिए कोई राय हल तलाश करें, मसलन दस्ताने इस्तेमाल करें, वगरना अपना काम बदल दें, और जब तक काम नहीं बदला है या ये कि काम का बदलना शदीद मुशक्क़त और असर व हर्ज का बाइस हो, मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो एहतियात वाजिब की बिना पर वज़ू और तयम्मुम या गुस्ल और तयम्मुम, अगर वजीफ़ा गुस्ल है, दोनों अंजाम दे। आठवां सवाल, क्या मरहूम बाप की गाड़ी पर सिर्फ बड़े बेटे का हक है? जवाब, नहीं, वो भी दूसरी तमाम मीरास की अशिया की तरह है और बड़े बेटे से मखसूस नहीं है। और आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तलावत करके तमाम मोमिन व मोमिनात के लिए बिलखसूस हमारी शरीक हयात फ़ादिला हाफिज़ क़ुरान मुबल्लिगा मुअल्लिफ़ है मक़बूरा मरहूमा आलिम बतुल फ़ातिमा बिन्त मौलाना इक़बाल हैदर हैदरी की रूह को इसाल फरमाए, और खुदाबंद आलम उनको जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जगह इनायत फरमाए और अजर अजीम अता फरमाए। صلى الله عليك يا خير البشر